अभी तक आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वह गाड़ियों को चलाते हुए इधर से उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मेरठ के एन एच 58 पर आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा, जहां छोटे छोटे भोले भी गंगा जल लेकर हरिद्वार ऋषिकेश गंगोत्री से अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं, जिससे भोले बाबा को जल अभिषेक कर सकें। ऐसे ही एक भोले हमारे साथ हैं, हमसे जानना चाहेंगे क्योंकि एक छोटी सी उन्होंने गाड़ी बनाई है जिसमें रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी को वह खींचते हुए चल रहे हैं, जिसमें कि उनके जो कांवड़ है वो भी धीरे धीरे आगे उनके साथ है। ऐसे हम भोले से ही जानना चाहेंगे किस तरीके से वह इस कांवड़ को लेकर आ रहे हैं और कहां से आए हैं। साथ ही उनकी माँ भी हमारे साथ हैं, हमसे भी जानना चाहेंगे कि इतने छोटे से भोले को वो लेकर आ रही हैं, किस तरह की समस्या रही और क्या वह कहना चाहेंगी, आखिर कोई मन्नत थी या क्या था जो इतने छोटे भोले के साथ वह हरिद्वार से कांवड़ लेकर। क्या नाम है भोली आपका? रेखा। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं? तो हर साल जल लेकर आते हैं? पहली बार ही? नहीं, 4 साल हो गए। ये बेटा कब से साथ रहा है आपके साथ? बेटा को 3 साल हो गए। तो कौन सी कांवड़ उठा कर लाए हैं ये? तो हरिद्वार से ही आपके साथ पैदल आ रहे हैं? तो क्या बच्चे ने कहा था या आपने कहा मेरे साथ चलो? नहीं, बच्चा खुद ही कहता है। कोई खास मन्नत? नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं आप? गंगा जल लेकर आ रहे हैं? हम देख रहे हैं बहुत छोटी सी कांवड़ है, हरिद्वार से पैदल ही ला रहे हैं। तो ऐसे ही खींचते हुए ला रहे हैं? ऐसे ही खींचते हुए ला रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी हुई? क्या कहोगे भोले बाबा के लिए? कैसा लगा आपको जब वो कांवड़ा आप ला रहे हैं खींचते हुए, कैसा लग रहा है आपको रास्ते में? तो आप खुश हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 30वीं क्लास में पढ़ते हैं आप? ऐसे में कह सकते हैं छोटे भोले की भक्ति भी देखने लायक है कि किस तरीके से वह आस्था में इतनी दूर से पैदल चल अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं और उनकी मुख पर सिर्फ बम बम भोले के जयकारे हैं। लोकल 18 मिनट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।